पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान लोगों को जहां एक ओर बारिश से राहत मिली तो वहीं दूसरी ओर लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से पहले ही इस बारे में भारी से भारी वर्षा होने की सूचना जारी की गई थी और उसी हिसाब से गोरखपुर में वर्षा हुई है। वहीं गुरुवार को 26.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया और पिछले दिनों हुई बारिश 140 से 110 मिलीमीटर दर्ज की गई है। आपदा प्रबंधकों की ओर से बताया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों में तक इसी तरह बारिश होती रहेगी और इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही नदियों के जलस्तर में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए घरों से निकलने से पहले मौसम के मिजाज को ज़रूर देख लें और निकलें। निकलना हो तो पूरी तैयारी के साथ निकलें। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी गोरखपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है और जो कि मौसम विभाग द्वारा जो एक अलर्ट हम लोग को जारी किया गया था उसके अनुसार हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का था यहाँ पर, तो उस हिसाब से गोरखपुर में वर्षा हुई है। और अगर अभी आज सुबह से लेकर के अभी तक का देखा जाए तो 26.7 मिलीमीटर रेनफॉल हो चुका है गोरखपुर में और पिछले दिनों में जो रिकॉर्ड गए थे वो नियर अबाउट 140 और 110 के आसपास का फिगर था, लेकिन ये वर्षा मतलब अभी इधर 2-3 दिनों तक और कंटिन्यू रहने की संभावना है जैसा कि मौसम विभाग द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। उस संबंध में समस्त विभागों को भी हम लोगों ने अपने तरफ से एक अलर्ट जारी कर दिया है और अभी जो नगर निगम से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार 67 लोकेशन पे पोर्टेबल पंप्स लगाए गए हैं जो कि वहाँ से जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। बाकी अगर देखा जाए तो अभी नदी का जलस्तर तो काफ़ी डाउन है और अभी मेन कोर्स में ही है रिवर। अभी राप्ती रिवर जो हम लोगों के पास डेंजर लेवल है 74.98 उससे अभी 3.5 मीटर नीचे है, तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। हाँ वर्षा हो रही है, इस वर्षा होने के कारण थोड़ी सी नदियों के जलस्तर में वृद्धि लगातार दर्ज की जा रही है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन अभी अराइज नहीं है गोरखपुर में। सर अभी किस बारिश कितने दिनों तक, अभी जो मौसम विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभी 13 तारीख तक की एक रिपोर्ट है हमारे पास जो हमारे क्लाइमेट सेल ने भी जो ऑब्जर्व किया है, तो अभी 13 तारीख तक इस तरह की संभावनाओं का है। अभी आगे जैसा कुछ हमें पता चलता है तो फिर आगे का देखेंगे, लेकिन अभी 13 तारीख तक का हमारे पास है।